नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के घोड़िया बाजार में बरसात के पानी से शहर लबालब। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का दृश्य, कैसे बरसात के पानी और रोड नाला का हाल। और नगर निगम और प्रशासन, विधायक, वार्ड पार्षद, यहां तक सांसद महोदय, किसी का ध्यान नहीं हो रहा है इसके तरफ। बहुत ही नारकीय जीवन यहाँ हर जाने वाले और यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम और यहाँ के जो भी प्रशासन है, सब लोग इस मंजर का तमाशा देख रहे हैं। तिरहुत लाइव न्यूज जनमंडल संवाददाता प्रवीण कुमार राहुल की रिपोर्ट। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ संवाददाता प्रवीण कुमार राहुल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर बाजार के चुनिंदा चौराहों में से एक चौराहा अघोरिया बाजार चौक का भी आता है। और देख सकते हैं यहाँ पर रामदयालू अघोरिया बाजार से रामदयालू की ओर जाने वाली सड़क का स्थिति किस तरह से पूरा पानियों से जलमग्न है और लोगों को यहाँ पे पानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ पर जाम का समस्या, पानी का समस्या और यहाँ पर नाली का सही से उपयोग न होना लोगों को बहुत ही परेशानी और तकलीफ में डालता है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए यात्रीगण जो हैं तो पैदल चल रहे हैं और उनका पांव पानी में डूबता जा रहा है। किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कुछ यहाँ पे घर भी हैं जो कि पूरी तरह से यहाँ पर लबालब है, जो कि डूब चुके हैं घर। प्रशासन यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है, यहाँ पर हलकान है प्रशासन और यहाँ पर यहाँ की आम जनता बेहाल है, पब्लिक परेशान है और इसी तरह से आए दिन यहाँ पर पानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हर बरसात के मौसम में इसी तरह का स्थिति रहता है। आए दिन यहाँ पर पानी का सामना करना पड़ता है, जाम का समस्या और यहाँ पर क्या कहते हैं वो किस तरह से आप देख सकते हैं कचरे का ढेर, कचरे का अंबार भी आए दिन लगा रहता है। प्रशासन और यहाँ की जो नगर निगम है उसका पोल खोल रहा है आए दिन बरसात का मौसम, किस तरह से यहाँ पर कचरे का ढेर और पानी की जरूरत। देख सकते हैं दुकान में भी कई दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है और दुकानदार परेशान हैं, हलकान हैं और यहाँ की आम जनता जो है तो बेहाल है, पब्लिक देख सकते हैं वो किस तरह से पानी की सामना करते हुए जा रहे हैं। धन्यवाद।